तो कैसे हैं आप लोग? तो और दोस्तों यार, कैसे हो आप सब? आप सभी को कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं जो लोग एंड्रॉयड 10 को स्टॉक एंड्रॉयड को रन कर रहे हैं अपने MIUI 3 डिवाइस के अंदर, उनको ये प्रॉब्लम आ रही है वो कैसे शार्प रिकवरी को अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करें। बहुत सारे वीडियोस बन चुके होंगे या बनने वाले होंगे, आई डोंट नो। मैं जो ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, इस वीडियो के थ्रू आप अपने शाओमी MIUI 3 के अंदर शार्प रिकवरी को आराम से बड़े प्यार से इंस्टॉल कर लेंगे। जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस मेथड से आप कर लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे DM कीजिए, तुम्हारा भाई हर जगह तुम्हारे लिए एक्टिव बैठा है और तुम्हें रिप्लाई करता है। दोस्तों, अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, मेरा नाम है अमन धीमान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर फैमिलियर सपोर्ट। गाइज, ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स हम आप सबके लिए लेके आते रहते हैं, और जो कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा वो आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बता बता कर थक गया हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो, शामिल हो जाओ हमारे फैमिली के अंदर जिसका नाम है योर फैमिलियर सपोर्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना, आगे मैं आपको पूरा इंस्टॉलेशन मेथड बता रहा हूँ, कैसे आपको PC में जो भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करना, सभी आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। रोम का लिंक भी इस बार मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो रोम के लिए भी आपको मुझे अलग से किसी और प्लेटफॉर्म पे DM करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तभी आप मुझे DM कर दीजिएगा। दोस्तों, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज, किस बात की देरी, लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों, अगर आप बिटनेट का MIUI 12 R2 रोम को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। आप जिस भी रिकवरी में आपने MIUI 11 R2 रोम को अगर फ्लैश किया था, जैसे कि आपने TWRP से अगर उसको इंस्टॉल किया था, आप TWRP से ही जाकर बिटनेट के MIUI 12 रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। आपका जो रोम है वो सक्सेसफुली वहाँ पर फ्लैश हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो दोस्तों एंड्रॉयड 10 को यूज़ कर रहे हैं या एंड्रॉयड 9 को यूज़ कर रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ अपने एंड्रॉयड 10 स्टॉक एंड्रॉयड को यहाँ पर अपडेट कर लीजिए। और यहाँ पर जब आप स्टॉक एंड्रॉयड 10 को यूज़ करेंगे, उसके बाद आपने चाहे कोई भी रिकवरी को इंस्टॉल किया हो, TWRP, ऑरेंज फॉक्स या फिर शार्प रिकवरी, अगर आपने शार्प रिकवरी को किया है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर अपने MIUI 3 के अंदर रिकवरी के अंदर जाकर और MIUI 12 बिटनेट रोम को यहाँ पर फ्लैश कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने कोई अदर रिकवरी को फ्लैश किया है तो आपको यहाँ पर शार्प रिकवरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ शार्प रिकवरी कैसे आपको इंस्टॉल करना है अपने MIUI 3 के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। अगर आपका बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए वीडियो कैसे आपको अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना। बूट लोडर अनलॉक करने के लिए आपको कुछ फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ADB सेटअप, क्वालकॉम USB ड्राइवर्स और यहाँ पर प्लेटफॉर्म टूल्स। तो इनकी मदद से आप अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर पाएंगे। वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें ही आपको इन सभी सॉफ्टवेयर का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मैं इस शार्प रिकवरी का, यहाँ पर आपको इमेज फाइल का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको इसको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, डाउनलोड करके अपने PC में ड्राइव C में जाकर प्लेटफॉर्म टूल्स के फोल्डर के अंदर आपको इसको पेस्ट कर देना है। और जैसे ही आप इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको सर्च बार में यहाँ पर टाइप कर देना है CMD। यहाँ पर जैसे ही आप टाइप करेंगे CMD, आपके सामने कमांड विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर फर्स्ट कमांड यहाँ पर टाइप करना है, फास्ट बूट डिवाइसेस। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर फास्ट बूट डिवाइसेस या फास्ट बूट डिवाइस यहाँ पर आप कमांड टाइप कर एंटर करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर डिवाइस कनेक्टेड शो हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर डिवाइस कनेक्ट शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर अपने मैनेज के ऑप्शन पर जाकर, दिस PC पर जाकर आपने मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर USB ड्राइवर्स को अपडेट कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर आपका अननोन कमांड डिवाइस या फिर MIUI 3 के नाम से यहाँ पर शो हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट कमांड आपको यहां पर डालना है, फास्ट बूट स्पेस सेट अंडरस्कोर एक्टिव स्पेस A। जैसे ही आप इसको यहां पर एंटर करेंगे, आपका डिवाइस स्लॉट A में यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कमांड आपको यहां पर रन करनी है, फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस बूट स्पेस, यहां पर जो आपका शार्प रिकवरी है आपको इसको राइट क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है।
और एंटर कर देना है। उसके बाद आपका जो रिकवरी है वो आपके Xiaomi Mi A3 के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, इमेज फाइल उसका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने डिवाइस को जाना है, डिवाइस पर जाकर आपने पावर की प्लस वॉल्यूम अप बटन को एक साथ प्रेस करके एंड होल्ड करके रखेंगे। एंड्रॉयड वन का लोगो आते ही पावर की को छोड़ देना है, की प्रेसिंग वॉल्यूम अप बटन, आपका जो फ़ोन है शार्प रिकवरी में बूट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप अपने फ़ोन के अंदर शार्प रिकवरी को यहाँ पर इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर बैकअप में सारा यहाँ पर करंट सिस्टम का बैकअप बना लेना है, उसके बाद आपको इसे सेव कर लेना है अपने पीसी के अंदर, और आपको अब चले जाना है माउंट के अंदर। माउंट में आपको सभी ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करके वाइप में जाकर, एडवांस वाइप में जाकर आपको यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज को छोड़ देना है। बाकी सब जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है सभी को यहाँ पर आपने क्लियर कर देना है, वाइप कर देना है। वाइप करने के बाद आपको यहाँ पर बैक जाना है और आपको चले जाना है यहाँ पर फ्लैश के अंदर। फ्लैश के अंदर आप जैसे ही यहाँ पर जाएंगे, फ्लैश में आपको यहाँ पर MIUI 12 बिटनेट रोम को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे टिक करना है, उसके बाद कंफर्म फ्लैश पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपका जो यहाँ पर फ्लैशिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर आपको लगभग 3 से 4 मिनट का वेट करना रहेगा इसके इंस्टॉलेशन में। यहाँ पर 3 से 4 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला है। यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर परसेंटेज शो हो रहा है, यहाँ पर वेट कीजिएगा 3 से 4 मिनट, आपका यहाँ पर पूरा सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा रोम, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आपने एक बार शार्प रिकवरी को यहाँ पर बूट कर लिया तो सक्सेसफुली आप MIUI 12 को यहाँ पर इंस्टॉल कर ही पाएंगे। दोस्तों रोम इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, आपको जो प्रॉब्लम आएगा वो फेस होगा आपको रिकवरी इंस्टॉलेशन में, यानी कि अगर आपका फ़ोन स्लॉट बी में है तो आपको उसे यहाँ पर चेंज करना रहता है स्लॉट ए में। दोस्तों अगर आप एंड्रॉयड 10 को यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो स्लॉट है यहाँ पर आपको करंट स्लॉट लेना पड़ेगा स्लॉट ए, तभी आप यहाँ पर रिकवरी को इंस्टॉल कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 9 पाई को यूज़ कर रहे हैं अभी भी, तो अगर आप चाहते हैं शार्प रिकवरी को इंस्टॉल करना तो दोस्तों आपको स्लॉट बी को चूज़ करना रहेगा, जो मैंने आपको कमांड बताया है फास्ट बूट स्पेस सेट अंडरस्कोर एक्टिव स्पेस बी को आप चूज़ कीजिएगा। उसके बाद आपका जो यहाँ पर स्लॉट है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपका यहाँ पर फास्ट बूट मोड में यहाँ पर आपका जो फ़ोन है वो यहाँ पर स्टक हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एंड्रॉयड 9 पाई के बाद शार्प रिकवरी को इंस्टॉल करके नहीं देखा है, तो मैं कंफर्म नहीं बोल सकता। हाँ अगर आप एंड्रॉयड 10 को यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप स्लॉट ए यानी कि फास्ट बूट स्पेस सेट अंडरस्कोर एक्टिव स्पेस ए यहाँ पर आप ये कमांड एंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर फ्लैश कर देना है रोम को, कमांड आपको मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया है, तो आप यहाँ पर सक्सेसफुली अपने रिकवरी को यहाँ पर इंस्टॉल कर पाएंगे। और उसके बाद आपको इंटरनल स्टोरेज में MIUI 12 एंड्रॉयड 10 बेस्ड बिटनेट का ये रोम है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड करके अपने Xiaomi Mi A3 के अंदर एक बार इंस्टॉल कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमारा फ्लैशिंग पूरा हो चुका है, आपने टिक पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको रिबूट पर जाना है और अगेन आपको रिबूट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपका अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, यानी कि 5 से 6 मिनट का अब आपको यहाँ पर वेट करना रहेगा रिबूट में। दोस्तों यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लॉन्ग वेट है लेकिन कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर वेट करना है, और वेट करने के बाद आपका जो डिवाइस है वो यहाँ पर सक्सेसफुली बूट हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। आपको सिर्फ वेट करना है, यहाँ पर एंड्रॉयड 1 का आपके सामने लोगो आ गया है, MIUI 12 का यहाँ पर एनिमेशन, बूट एनिमेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव यार आपके Mi A3 को बना देता है। जैसा आप स्टॉक रोम में यूज़ करते हैं ना अपने Mi A3 को, बिल्कुल बकवास मेरे को तो देखने में लग रहा था यार, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है Mi A3 के साथ। हालांकि मैं अपने Nokia 8.1 के अंदर Android 10 को यूज़ कर रहा हूँ, बग्स उसमें भी हैं, लेकिन जो बग्स आपको यार इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा वल्गर हैं, यानी कि बस यूज़ नहीं कर सकते हो आप वो स्टॉक एंड्रॉयड रोम, उसमें काफ़ी ज़्यादा बग हैं Xiaomi Mi A3 के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर MIUI 12 को यहाँ पर अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, बहुत कम बग्स के साथ ये रोम आपको दिया गया है बिटनेट की तरफ से। सो गाइज बिग थैंक्स टू बिटनेट डेवलपर्स,
उनकी वजह से यार हम आपके लिए वीडियोस बना पा रहे हैं और आपको ये रोम प्रोवाइड कर पा रहे हैं थैंक्स टू बिटनेट डेवलपर्स। अगेन उन्होंने यार बहुत अच्छा यहाँ पर रोम डेवलप करके दिया है और आगे भी वो हमारे मी A3 के लिए इसी तरह हमें रोम प्रोवाइड करते रहेंगे, अपडेट्स यहाँ पर देते रहेंगे, चाहे वो सिक्योरिटी पैच लेवल हो, चाहे वो यहाँ पर रोम में जो भी बग्स हैं उन्हें फिक्स हो, तो यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो आप बेफिक्र हो जाइए, एक बार इस रोम को इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर बार बार जो मैनुअल अपडेट्स हैं उसको नहीं करना पड़ेगा। तो ये यार यहाँ पर प्लस पॉइंट इस MIUI 12 वर्ज़न के साथ में आपको मी A3 में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो बूट है यहाँ पर सक्सेसफुली पूरा होने ही वाला है और यहाँ पर हमें MIUI 12 में एंटर कर चुके हैं अपने मी A3 के अंदर। तो गाइज़ यहाँ पर आपको पुराना यहाँ पर लॉक स्क्रीन देखने को मिल सकता है क्योंकि आपने इंटरनल स्टोरेज को वाइप नहीं किया है, नहीं तो यहाँ पर पूरी तरह क्लीन हो जाता। एक्टिवेट डिवाइस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, मी अकाउंट को यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगेन यहाँ पर लॉक स्क्रीन शो होगा अगर आप इंटरनल स्टोरेज को यहाँ पर वाइप नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करके और नेक्स्ट बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको MIUI 12 का प्यारा सा लोगो यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाला है। उसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर लैंग्वेजेस को चूज़ कर लेना है, लैंग्वेजेस को चूज़ करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद स्किप करना है। तो गाइस यहाँ पर आपको स्किप पर क्लिक कर देना है, स्किप करने के बाद आपको यहाँ पर आई एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर चेकिंग इन्फॉर्मेशन इंस्टॉलिंग अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ। डोंट कॉपी पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेकिंग इन्फॉर्मेशन दोबारा से यहाँ पर रन करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जीमेल अकाउंट्स का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट कर देंगे, स्किप करेंगे। उसके बाद जीमेल यहाँ पर गूगल के कुछ यहाँ पर प्रोवाइड्स आपको मिलेंगे अपडेट्स के, यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद और नेक्स्ट करना है, यहाँ पर आपको और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट थीम आप चूज़ कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर फुल जेस्चर मोड को ऑन कर लीजिए एंड स्किप। उसके बाद स्वाइप अप, MIUI 12 में एंटर होने के लिए आपको स्वाइप अप स्वाइप अप स्वाइप अप करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये जो यहाँ पर MIUI 12 है यहाँ पर आप MIUI 12 के अंदर एंटर हो जाएंगे यहाँ पर सक्सेसफुली। ये रहा आपका यहाँ पर MIUI 12। दोस्तों यहाँ पर सुपर वॉलपेपर का सपोर्ट नहीं है हमारे मी A3 के लिए, मे बी फ्यूचर में आपको यहाँ पर, तो दोस्तों अभी यहाँ पर आपको सुपर वॉलपेपर का सपोर्ट नहीं है, फ्यूचर में आपको यहाँ पर सुपर वॉलपेपर का सपोर्ट दे सकता है बिटनेट, क्योंकि CC9E में आपको पूरी तरह से वर्क कर रहा था हमारा सुपर वॉलपेपर। रेड प्लैनेट एंड अर्थ सुपर वॉलपेपर का यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा था CC9E के बीटा रोम के अंदर। तो दोस्तों हो सकता है आपको फ्यूचर के अंदर यहाँ पर आपको बिटनेट प्रोवाइड कर दे सुपर वॉलपेपर का भी अपडेट। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ इजीएस्ट मेथड यार अपने मी A3 के अंदर कैसे आपको शार्प रिकवरी को इंस्टॉल करना है, ये मैंने आपको इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। और दोस्तों अगर आप शाओमी मी A3 के अंदर MIUI 11 R2 रोम को अगर इंस्टॉल कर रखे हैं तो आप TWRP से भी MIUI 12 को यहाँ पर फ्लैश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, लेकिन बिटनेट का ही रोम होना चाहिए वो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हेल्प कीजिए यार मेरी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज मैंने आपको पूरा डिटेल्ड में बता दिया है कैसे आपको अपने Xiaomi Mi A3 के अंदर यहाँ पर शार्प रिकवरी को इंस्टॉल करके और बिटनेट रोम को आपने इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों इस रोम का मैं डिटेल्ड रिव्यू लेके आने वाला हूँ, ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में आपको सारे जो यहाँ पर कमियाँ हैं जो बग्स हैं वो सभी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, अपना हाथ बढ़ाओ, मेरे से हाथ मिलाओ, हमारे चैनल को ज्वाइन करो और शामिल हो जाओ हमारे फैमिली के अंदर जिसका नाम है योर फैमिलियर सपोर्ट। तो गाइज मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, रिव्यू वीडियो का वेट करना। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और शामिल हो जाओ हमारे फैमिली के अंदर जिसका नाम है योर फैमिलियर सपोर्ट। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।